हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी आईएएस के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आज हम दिसंबर 2020 के लेक्चर देखेंगे ज्योग्राफी से रिलेटेड। जैसे कि आपको पता है हम मंथली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, तो हमने जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और जैसे कि बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न था कि करंट अफेयर्स कंप्लीट हो पाएंगे या नहीं एग्ज़ाम तक, तो हम आपको बता दें कि अब हम आगे से 3 या 4 महीने का एक साथ कंबाइंड कवर लेक्चर कवर करेंगे करंट अफेयर्स का। जिसकी अब जो ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारे जनवरी 2021 से सितंबर 2021 तक के जो करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वो केवल मैक्सिमम 2 ही लेक्चर्स में कवर हम करा देंगे। और अगर हो सकेगा तो हम एक ही पूरा लेक्चर बना देंगे, चाहे वो वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो जाए, 1.5 से 2 घंटे का भी हो जाए, तो भी हम उसकी कोई परवाह ना करते हुए हम 1 से 2 लेक्चर में आपको प्रोवाइड कर देंगे ये पूरा करंट अफेयर्स। इसके साथ साथ अब उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को हम पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और इंडाइसिस और रिपोर्ट्स पर अभी हमारे एक लेक्चर और आना है, वो भी हम लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि इंडाइसिस और रिपोर्ट्स पर हमने जनवरी 2021 से लेकर मई 2021 तक के आपको सारे इंडाइसिस और रिपोर्ट्स कवर करा दी हैं। तो आज के लेक्चर में हम मेनली ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला है हमारा फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, ये ईरान से रिलेटेड न्यूज़ है। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक, ये हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो रेल लिंक नया स्थापित किया गया है उससे रिलेटेड न्यूज़ है। और ये आपको पता होगा यूपीएससी कई बार पहले भी बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो रेल लाइन है या रोड कनेक्टिविटी है उस पर रिलेटेड ज्योग्राफी से कनेक्ट क्वेश्चन पूछ चुकी है। ये प्रेट्स आइलैंड से, जो कि साउथ चाइना सी का इशू से रिलेटेड है। वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट, ये इसको भी हम देखेंगे। ईस्वातिनी जो स्वाजीलैंड था उसका नाम चेंज करके जो ईस्वातिनी किया गया था, वहाँ से रिलेटेड इशू है। अगली न्यूज़ होगी हमारी माउंट इली लेवो टोलोक, इसको देखेंगे हम। माउंट एवरेस्ट और डिजिटल ओशियन, इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ हैं वो हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है हमारी माउंट इली लेवा टोलोक। माउंट इली लेवा टोलोक ये क्या है, ये देखिए इंडोनेशिया में माउंट इली लेवा टोलोक में विस्फोट हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट। जैसे कि आपको पता होगा ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में आता है। पैसिफिक ओशियन बेल्ट जो है, जो रिंग ऑफ फायर ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी की बेल्ट है, ये उसमें आता है। तो आज इसमें रोज़ाना नहीं डे बाई डे कुछ ना कुछ इसमें यहाँ पर गतिविधियाँ होती रहती हैं। ज्वालामुखी रूप से ये सक्रिय है, तो यहाँ के हमारे लिए ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वॉल्केनो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ का मैप, इसका स्थान क्या है। ये माउंट एली कभी कभी मैचिंग में भी आ जाता है, कई माउंट दे रखे होते हैं, कई ज्वालामुखी दे रखे होते हैं, उनको देशों से आपको मैच करना भी आ जाता है, और कभी कभी उनके बारे में डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी स्टेटमेंट वाइज पूछ ली जाती है। तो ये पूर्वी इंडोनेशिया में स्थित एक ज्वालामुखी है। देखिए इसकी एक मेन वजह ये भी है कि ये हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड से बहुत ज़्यादा करीब में है, क्योंकि ये सुमात्रा और जावा, इंडोनेशिया के सुमात्रा और जावा आइलैंड के पास है। तो इसमें विस्फोट हुआ है, ये 5,403 मीटर ऊंचा है। इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर मेरोपी और सुमात्रा द्वीप पर सिनुबांग के साथ ये सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, वहाँ पर मेरापी वोल्केनो और सुमात्रा द्वीप पर सिनुबांग। देखिए ये सारे क्या हैं, ये सारे एक्टिव वोल्केनो हैं, और ये हमारे अंडमान निकोबार से बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। तो आपको पता ही होगा कि हमारा अंडमान निकोबार का रीजन इंडोनेशिया से केवल 400 माइल्स की दूरी पर है। अगली न्यूज़ है हमारी ब्रह्मपुत्र पर चीन का नया बांध, चाइनाज न्यू डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। जैसे कि आपको पता ही होगा स्पेशली ब्रह्मपुत्र नदी पर चाइना बहुत ज़्यादा डैम बनाता है, जिसकी वजह से उसको देखिए उससे 2 फायदे होते हैं उसको। एक तो वो पीने के पानी को स्टोर करके रखता है, दूसरा वहाँ पर ज़्यादा तादाद में बिजली भी, ज़्यादा मात्रा में बिजली का भी उत्पादन होता है। अब ये तो होते हैं उसके अपने इकोनॉमिक प्रॉफिट, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉफिट होते हैं वो हैं, लेकिन दूसरे इसके रीजनल स्ट्रेटिक जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये इश्यूज़ हैं। उसकी वजह यह है कि ये कभी कभी पानी जानबूझकर स्टोर कर लेता है, रोक लेता है, मतलब एक्सेस वाटर को भी रोक लेता है, जिसकी वजह से इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट के रीजन, आसाम इत्यादि और बांग्लादेश के रीजन में पानी की कमी हो जाती है, जिसका आरोप कभी कभी बांग्लादेश हमारे ऊपर लगाता है कि इंडिया ने पानी स्टोर किया हुआ है, लेकिन वो बांग्लादेश को हमारे तरफ टिल्टेड होने से बचाने के लिए कभी कभी ये जानबूझ के ये स्ट्रेटेजिक रणनीति अपनाता है। तो इससे इसके कई फायदे होते हैं, और कभी कभी एक्सेस वाटर को एकदम से रिलीज़ कर देने पर हमारे यहाँ अरुणाचल प्रदेश और आसाम में बाढ़ भी आ जाती है। तो अभी क्या है, ये डागू, जियाक्सू और जियाचा में 3 अन्य नए बांध विकसित किए जा रहे हैं। ये 3 अलग अलग शहर हैं तिब्बत के, जहाँ से जो रूट मैप है आपके ब्रह्मपुत्र नदी का, जहाँ से ये नदी बहकर आती है, वहाँ पर ये डागू ज़िला, जियोक्सी और जियाचू में 3 अन्य नए बांध विकसित किए जा रहे हैं। अब इससे पहले ब्रह्मपुत्र के बारे में हम कुछ थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, उसके बाद वो डैम भी देखेंगे। इसका स्रोत क्या है ब्रह्मपुत्र नदी का, चेमांगयुंगडू ग्लेशियर, ये 5,150 मीटर की ऊंचाई पर इसका स्रोत सिंधु और सतलज के बहुत करीब है।
तो सिंधु और सतलज की इसका करीब स्रोत है। अरुणाचल प्रदेश में सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है ये नदी। मरियमला ब्रह्मपुत्र के स्रोत को मानसरोवर झील से अलग करता है। देखिए मानसरोवर झील आपको पता होगा कि ये सतलज का स्रोत है, तो सतलज नदी को मानसरोवर झील को, मानसरोवर जो झील है उस झील को ब्रह्मपुत्र नदी के स्रोत से कौन सा दर्रा अलग करता है? मरियमला। मरियमला क्या है? ये दर्रा है। आपको पता ही होगा तिब्बती लैंग्वेज में या आपकी कोरियन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, दर्रों को क्या कहा जाता है, पासिस जो होते हैं पासिस उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है ला। तो ये मरियम ला जो है ये एक ऐसा दर्रा है या इसे डिवाइडिंग पॉइंट कह सकते हैं मानसरोवर झील और ब्रह्मपुत्र के स्रोत से, चेमांग्यू ग्लेशियर से और मानसरोवर झील के बीच ये मरियमला दर्रा दोनों को अलग करता है। इसकी लंबाई, इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ इसकी दिबांग, लोहित, सियांग, बूढ़ी दिहिंग, तिस्ता और धनसिरी, ये सारी ही सहायक नदियाँ इंडिया की से ओरिजिनेट होने वाली नदियाँ हैं। ये इंडिया में जो मिलती हैं इससे सहायक नदियाँ उनके बारे में बात हो रही है। इसके अलावा भी और भी सहायक नदियाँ हैं जो तिब्बत के ही रीजन में इससे मिलती हैं, ब्रह्मपुत्र नदी से वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे है इसमें, ये एक बारहमासी नदी है। इसमें साल में दो बार बाढ़ आती है, एक बार गर्मियों में हिमालय के बर्फ़ के पिघलने से और दूसरी मानसून के प्रवाह के कारण। इन बाढ़ों की आवृत्ति क्लाइमेट जलवायु की वजह से या आपका जलवायु परिवर्तन की वजह से इसकी आवृत्ति बढ़ती जा रही है। आवृत्ति दोनों सेंस में बढ़ रही है, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही है, और इसकी मात्रा भी बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, यानी कि ज़्यादा तादाद में बाढ़ भी आ रही है और बार बार आ रही है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आ रही है और हर बार पहले से ज़्यादा तादाद में आ रही है। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगली न्यूज़ है हमारी माउंट एवरेस्ट। देखिए अभी क्या हुआ है, नेपाल और चाइना ने लास्ट ईयर क्या किया है, माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है, वो उसको दोबारा मेजरमेंट किया गया है। तो उसके मेजरमेंट के फलस्वरूप ये पता चला है, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि ये एक नवीन हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्या है? एक तो फोल्डेड माउंटेन है हिमालय माउंटेन। कैसा माउंटेन है? हिमालय फोल्डेड यानी कि वलित पर्वत, और सबसे युवा पर्वत है, नवीन पर्वत श्रेणी है। तो इसकी ऊंचाई भी अभी बढ़ रही है क्योंकि अभी ये युवावस्था में बच्चे होते हैं, क्या होता है उनकी बढ़ाई लंबाई बढ़ती है, इसी तरह इसकी भी ऊंचाई बढ़ रही है। तो अब इसमें अभी 86 सेंटीमीटर पिछली माप से ज़्यादा आई है इसकी ऊंचाई। एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है और चाइना में माउंट कोमा लंगमा कहा जाता है। सागरमाथा का तो नाम आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलेगा, चाइना में इसको क्या कहा जाता है, माउंट कोमा लंगमा के नाम से जाना जाता है। ये पर्वत नेपाल और तिब्बत के बीच की सीमा पर स्थित है। नेपाल और तिब्बत का जो सीमा है उस पर ये पर्वत स्थित है, ना कि पूरी तरह ये भारत में स्थित नहीं है, जबकि ये नेपाल में स्थित है। इसका अंग्रेजी नाम सर जॉर्ज एवरेस्ट से के नाम से पर रखा गया है। 19वीं शताब्दी के मध्य में ये भारत के सर्वेयर जनरल के रूप में इन्होंने कार्य किया था। 19वीं शताब्दी में यानी कि 1800 सेंचुरी के बाद इन्होंने भारत में कार्य किया था सर्वेयर जनरल के रूप में। अब इसकी जो नई ऊंचाई है, जैसे कि आपको पता होगा, आप एनसीईआरटी में पढ़ते होंगे कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 मीटर, लेकिन अभी जो ऊंचाई नापी गई है उसमें कितनी आई है, 8848.86 मीटर। अभी 1954 में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा किए गए माप के अनुसार थी, जो पहले की लंबाई थी वो 1954 के अनुसार थी, लेकिन अब ये अगले 75 साल में, लगभग 70 साल में इसकी ऊंचाई इतनी बढ़ गई है 86 सेंटीमीटर। इसे पहली बार 1953 में भारतीय नेपाली तेंजिंग नॉर्गे और न्यू जोसेंडर एडमंड हिलेरी द्वारा बढ़ाया गया था, यानी कि सबसे पहली बार जो इसकी लंबाई बढ़ाई गई थी 1953 में बढ़ाई गई थी तेंजिंग नॉर्गे और न्यू जोसेंडर एडमंड हिलेरी द्वारा। अब इसको हाइट को यानी कि ऊंचाई को रिवाइज क्यों किया गया है? देखिए शिखर की ऊंचाई 2015 में नेपाल भूकंप जैसे कि विवर्तनीय गतिविधि के कारण बदलने के लिए जानी जाती है, जैसे कि यहाँ पर टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, यहाँ पर काफ़ी बार ये भूकंप की दृष्टि से भी सक्रिय क्षेत्र है टेक्टोनिक दृष्टि से, तो इस वजह से यहाँ पर ऊंचाई भी बढ़ती रहती है और भूकंप भी आते रहते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी प्रेट्स आइलैंड कहाँ पर है? देखिए ये साउथ चाइना सी में है, ये साउथ चाइना सी आप देख सकते हैं, ताइवान और ये फिलीपींस का रीजन है, यहीं पर ही कहाँ पर स्प्राटले आइलैंड भी है, यहीं पर ही हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि यहाँ नातूना आइलैंड है। तो इस तरह से काफ़ी सारे यहाँ पर पैरासेल आइलैंड्स हैं। तो यहाँ पर डिस्प्यूट चलता रहता है लैंड बाउंड्री को लेकर, चाइना अपना दावा करता है कि सारे आइलैंड्स उसके हैं, जबकि यहाँ फिलीपींस, लाओस इत्यादि दावा करते हैं कि ऐसी, इसी तरह ब्रुनेई, ये लोग दावा क्या करते हैं कि यहाँ पर इनके ये आइलैंड है। तो लेकिन चाइना, जैसे कि आपको पता ही होगा, वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत सभी जगह को अपना चाइना के अंतर्गत मानता है, जैसे कि तिब्बत के रीजन को भी उसने अवैध अधिकरण कर रखा है, इसी तरह अरुणाचल प्रदेश पर अवैध अधिकरण है हमारे इंडिया में, और दूसरी तरफ उत्तराखंड के या हिमाचल प्रदेश के भी कई रीजन में और लद्दाख के भी कई रीजन में अवैध अतिक्रमण या घुसपैठ चाइना द्वारा दिन ब दिन की जाती है। तो प्रेट्स द्वीप, जिसे डोंगशा द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है, इसे दूसरा किस नाम से जाना जाता है, डोंगशा। तो आपको एग्जाम में दोनों तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डोंगशा आइलैंड ग्रुप या डोंगशा आर्किपेलागो, क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
तो इसे डोंगशा आइलैंड्स के ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है और फ्रेंड्स द्वीप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण चीन सागर में है, दक्षिण चीन साउथ चाइना सी में है, नए संघर्ष के रूप में उभरा है। द्वीप ताइवान के अधिकार क्षेत्र में दक्षिण चीन सागर के उत्तरी भाग में स्थित है, यानी कि जो साउथ चाइना सी का रीजन है ये उसके इसके उत्तरी भाग में स्थित है। और ये क्या है, ये द्वीप ताइवान के अधिकार क्षेत्र में आता है, ताइवान के अधिकार क्षेत्र में है। अब इस पर कंसर्न्स क्या है, यदि चीन फ्रेट्स द्वीप समूह को नियंत्रित किया तो द्वीप अमेरिका और अन्य देशों के जहाजों और विमानों पर दक्षिण चीन सागर में प्रवेश करने वाले प्रशांत महासागर से निगरानी करने के लिए प्रवेश द्वार के रूप में कार्य कर सकता है। यानी कि आप देख सकते हैं कि ये जो इसका ईस्टर्न रीजन है, यानी कि पैसिफिक ओशियन का वेस्ट रीजन, साउथ चाइना सी कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन के वेस्टर्न रीजन में, यानी कि इसके साउथ चाइना सी के ईस्ट में क्या है, पैसिफिक ओशियन। तो यहाँ से जो साउथ आपके यूएसए के इत्यादि के जो जहाज़ आते हैं या जापान के जो जहाज़ आते हैं, कार्गो शिप्स जो आती हैं, कार्गो शिप्स, वो एशिया के इत्यादि के अंदर या इंडिया इत्यादि के अंदर, तो ये उस सबको ये मैनिपुलेट कर सकता है या यहाँ पर इनकी आवाजाही को रोक सकता है। इसलिए ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और अगर चाइना यहाँ पर कब्जा कर लेता है तो वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से उसको एक एज मिल जाएगी यूएसए के परस्पेक्टिव में। अगली न्यूज़ है हमारी पश्चिमी सहारा विवाद, वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट। अब ये क्या है, ये देखिए वेस्टर्न सहारा डिस्प्यूट जो है ये मोरक्को, देखिए आप देख सकते हैं ये वेस्ट अफ्रीका का मैप है, वेस्ट अफ्रीका का मैप है जो कि इधर इसका अटलांटिक ओशियन है, ये अटलांटिक ओशियन है और यहाँ पर ऊपर इसके ऊपर जो है यूरोप है। तो ये मोरक्को और मोरक्को का जो वेस्टर्न सहारा का रीजन है, मोरक्को के नीचे, मोरक्को को साउथ में और इसराइल, इन दोनों के बीच ये डिस्प्यूट का क्षेत्र है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ चौथा अरब राष्ट्र बनने पर सहमत हुआ है, क्या क्या किया है, एक ट्रीटी हुई है मोरक्को और मोरक्को और किसके बीच, इसराइल के बीच, इसराइल के बीच। तो ये चौथा ऐसा अरब राष्ट्र है जिसने इसराइल के साथ, इसराइल के साथ संधि की है, ट्रीटी की है। आपको पता ही होगा कि जो अरब नेशंस हैं वो इसराइल से बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं क्योंकि वहाँ पर ज्यूज और मुस्लिम्स का लेकर कॉन्ट्रोवर्सी है, इशू रहते हैं, आज दिन दंगे होते रहते हैं। तो इस वजह से किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है अरब नेशंस ने, तो इसमें ये चौथा राष्ट्र बना है, चौथा अरब नेशन ऐसा बना है मोरक्को जिसने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसराइल को रिकॉग्नाइज किया है। अब ये पूर्व स्पेनिश उपनिवेश पश्चिमी सहारा उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में एक विशाल शुष्क क्षेत्र है, यानी कि एकदम ड्राई यह एरिया है, ड्राई लैंड एरिया है और किसमें है, ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, यानी कि अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में, यहाँ पर अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट रीजन में ये फैला हुआ है। ये कुछ इस तरह से अफ्रीका का मैप है, आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ मैप है। तो ये इस जगह पर इसकी लोकेशन है मोरक्को और वेस्टर्न सहारा की। और तीसरी चीज़ क्या है, ये खनिज समृद्ध यानी कि मिनरल प्रॉस्पेरस रीजन है, यहाँ पर फॉस्फेट के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं, सिंथेटिक उर्वरकों के निर्माण में इसका प्रमुख घटक है, यानी कि जितनी भी सिंथेटिक उर्वरक बनते हैं, फर्टिलाइजर्स बनते हैं, उनके निर्माण में फॉस्फेट, आपको पता ही होगा एनपीके मिलाया जाता है, यूरिया जो एनपीके है, नाइट्रोजन फॉस्फेट और पोटेशियम, तो इसमें फॉस्फेट का ये प्रचुर भंडार यहाँ पर पाया जाता है वेस्टर्न सहारा में, और ये सिंथेटिक उर्वरकों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मछली यानी कि फिशरीज के भी रिसोर्सेज हैं और ये इसमें अपतटीय क्षेत्र तेल का भी है, यानी कि यहाँ पर इनलैंड ऑयल के भी रिजर्व्स पाए जाते हैं। अगली न्यूज़ है हमारी ईस्वातिनी, ईस्वातिनी कहाँ, ये देखिए ये दक्षिणी अफ्रीका का, अफ्रीका के दक्षिणी रीजन का मैप है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के ही अंदर एक लैंडलॉक कंट्री है लिसोथो, और इसी के ही अंदर एक और लैंडलॉक कंट्री है ईस्वातिनी, जिसका पहले नाम क्या होता था, स्वाजीलैंड, यहाँ स्वाजीलैंड इसका नाम होता था, आप देख सकते हैं इसका नाम था स्वाजीलैंड, 2018 में इसके नाम को परिवर्तित किया गया और ईस्वातिनी रख दिया गया। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर यहाँ के इनके प्रधानमंत्री का हाल ही में कोविड 19 की वजह से निधन हुआ है, इसलिए ये एरिया न्यूज़ में था। ये दक्षिणी अफ्रीका में एक भूमि से घिरा देश है, देखिए दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक और इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में दक्षिण अफ्रीका की सीमाएं हैं। देखिए इसके उत्तर पूर्व में क्या है, मोजाम्बिक रीजन, उत्तर पूर्व में मोजाम्बिक है, दूसरा इसके उत्तर पश्चिम और दक्षिण में दक्षिणी अफ्रीका है और मबामने इसकी राजधानी है। देखिए आप देख सकते हैं आपसे राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मबामने इसकी राजधानी है, उत्तर पूर्व में इसके मोजाम्बिक है यहाँ पर, और बाकी तीनों एरियो में कौन है, कौन सी कंट्री है, दक्षिण अफ्रीका। आधिकारिक तौर पर 2018 में इसका नाम बदला गया था। अगली न्यूज़ है हमारी हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये देखिए ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है उसको अच्छी कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए इसको बनाया, डेवलप किया गया है, क्योंकि यहां से एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड, ये एक अल्टरनेट रूट प्रोवाइड करता है हमें, कहाँ पर जाने का, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जाने का। उससे क्या फ़ायदा होगा, जो चिकन नेक कॉरिडोर है, यानी कि जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, जो आपका आसाम और सिक्किम
सिक्किम के बीच है, जो एक पतली सी 70 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, जहाँ पर कभी भी ये डर रहता है कि चाइना यहाँ पर कब्जा करके इस जगह को ब्लॉक ना कर दे या यहाँ पर अतिक्रमण करके ब्लॉक ना कर दे और हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन, हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन को बिल्कुल कट ना कर दे। इस वजह से बांग्लादेश के थ्रू हम नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी पर हमारा इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है जी, संयुक्त रूप से भारत में हल्दीबाड़ी और बांग्लादेश में चिलाहाटी के बीच रेलवे लिंक का उद्घाटन किया गया है। हल्दीबाड़ी कहाँ है? इंडिया में। हल्दीबाड़ी आप देख सकते हैं ये असम के अंदर, और दूसरा ये चिलाहाटी कहाँ है? ये बांग्लादेश में है। तो इन दोनों के बीच रेल लिंक, देखिए ये पता होना चाहिए आपको कि ये रेलवे लिंक परियोजना है, ये हल्दीबाड़ी चिलहाड़ी रेल लिंक परियोजना है, रोड लिंक परियोजना नहीं है। दूसरा, ये रेल लिंक कोलकाता से सिलीगुड़ी तक ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा था। कोलकाता से सिलीगुड़ी तक, यहाँ पर वेस्ट बंगाल का कोलकाता से सिलीगुड़ी तक क्या था, ये आपका ब्रॉड गेज मुख्य मार्ग का हिस्सा था। 1965 से युद्ध के युद्ध ने सभी रेलवे लिंक को प्रभावी ढंग से इसको अलग कर दिया था। महत्व इसका क्या है? इस रेल लिंक से बांग्लादेश से असम और पश्चिम बंगाल की कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि वेस्ट बंगाल और असम की कनेक्टिविटी इससे बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं आखूरा और सबरूम, ये आपकी यहाँ से भी कनेक्टिविटी त्रिपुरा की भी इससे बढ़ सकती है। तो इससे, इसके अलावा भी जो रेल लिंक परियोजनाएं भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई हैं, उसके बारे में भी हम देख सकते हैं, देख लेते हैं। उससे भी आपसे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी परियोजनाएं भारत और बांग्लादेश के बीच कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी या रेल कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए बनाई गई हैं। तो ये क्षेत्रीय व्यापार में वृद्धि का समर्थन करने और क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बंदरगाहों, शुष्क बंदरगाहों और भूमि सीमाओं यानी कि लैंड रूट और रेल नेटवर्क को पहुंच प्रदान करता है। तो अन्य रेल लिंक परियोजनाएं क्या हैं भारत और बांग्लादेश के बीच? देखिए, पहली है पेट्रापोल भारत और बेनापोल बांग्लादेश, पेट्रापोल जो कि भारत में है और बेनापोल बांग्लादेश, इन दोनों के बीच परियोजना, रेल लिंक परियोजना। दूसरी है गेडे, गेडे भारत में स्थित है और दर्शना बांग्लादेश में, गेडे से दर्शना के बीच। तीसरी है सिंहबाद भारत और रोहनपुर बांग्लादेश के बीच, और चौथी है राधिकापुर जो कि भारत में है और बिरोल बांग्लादेश में। तो ये चार परियोजनाएं पहले ही भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच चार परियोजनाएं पहले ही चलाई जा रही हैं। और अब ये पांचवी परियोजना कौन सी है आपकी? हल्दीबाड़ी और चिलहाटी परियोजना, हल्दीबाड़ी और चिलहाटी रेलिंग परियोजना जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू की गई है। अगली न्यूज़ है हमारी फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। देखिए अभी क्या हुआ है हाल ही में, जैसे कि आपको पता होगा JCPO साइन की गई थी USA और P5+1 कंट्रीज के साथ। JCPOA जो साइन की गई थी, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, जिसे ईरान न्यूक्लियर डील भी कहते हैं, ईरान न्यूक्लियर डील, इसको 2015 में साइन किया गया था। लेकिन क्या हुआ था कि आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल में इसको एक तरफा रूप में, यानी कि यूनिलैटरल तौर पर इसको रिजेक्ट कर दिया गया और ईरान पर आरोप लगाए गए USA के द्वारा या डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये आरोप लगाए गए कि ये इस संधि का उल्लंघन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। जो इन्होंने एक तरफा तौर पर इससे संधि से पुल आउट कर लिया, जिसकी वजह से काफ़ी सारे सैंक्शन ईरान पर USA के द्वारा लगा दिए गए। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? अब इसने, ईरान ने उस समय धमकी दी थी कि अगर हमारे ऊपर सैंक्शन लगाए जाएंगे तो हम दोबारा से न्यूक्लियर एनरिचमेंट की फैसिलिटी को स्टार्ट कर देंगे। तो अभी यही हुआ है कि सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ईरान के एक न्यूक्लियर पावर प्लांट का पता चला है, जिसमें फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, एक फोर्डो एक स्थान है, फोर्डो यहाँ पर एक न्यूक्लियर फैसिलिटी की यहाँ पर इमेज देखी गई है सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू। यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी के भंडार देखे गए हैं। तो इससे पहले भी एक ऑलरेडी इनका न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी ईरान के पास है, जो कि नतांज में स्थित है। ईरान के अंदर ही एक क्षेत्र है नतांज में इनकी ऑलरेडी ही एक पहले से ही न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑलरेडी ही बनी हुई थी। लेकिन अब दूसरी फैसिलिटी देखी गई है ईरान के अंदर, फोर्डो स्थान पर न्यूक्लियर फैसिलिटी देखी गई है। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे मैच द फॉलोइंग में इस तरह के स्थान पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पर स्थित है। तो इसमें इसका स्थान फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट एक ईरानी भूमिगत यूरेनियम संवर्धन एनरिचमेंट सुविधा है, जो ईरानी शहर कौम इससे 20 मील उत्तर पूर्व में फोर्डो गांव के पास स्थित है। ये दूसरी ईरानी यूरेनियम संवर्धन सुविधा है। पहली कहां पर है? पहली नतांज में है। तो आप यहां देख सकते हैं ये फोर्डो है, फोर्डो ईरान की राजधानी तेहरान के दक्षिण पूर्व में। तो ईरान ने फोर्डो में किसी निर्माण के सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। देखिए ईरान का ये मानना, ईरान का कहना ये, ईरान ने ऑफिशियली इसको डिक्लेयर नहीं किया है, उसने इसको मानने से इंकार कर दिया है कि ये हमने यहाँ पर किसी भी तरह की न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी यहाँ पर शुरू नहीं की है। जबकि क्या होता है, जो सैटेलाइट्स होती हैं उसमें कुछ रडार सिस्टम होता है और वो रेडिएशंस को कैच करते हैं, जिससे कि पता चल जाता है कि किस किस स्थान पर न्यूक्लियर फैसिलिटी स्थापित की गई है। देखिए आप में से बहुत से बच्चे ये सोचते होंगे, एस्पायरेंट, कि इन सैटेलाइट्स के जरिए पता कैसे चल जाता है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी कहाँ पर की गई है। देखिए न्यूक्लियर से रेडिएशन होता है, न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडिएशन होता है, तो रेडिएशन को ही कैच करती हैं सैटेलाइट्स, तो उससे पता चल जाता है कि कहां पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट किया जा रहा है।
तो एक 2.9% से ज़्यादा न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने का मतलब यह है कि वो कंट्री जो कंट्री 2.9% से ज़्यादा एनरिच कर रही है न्यूक्लियर को, इसका मतलब वो न्यूक्लियर परमाणु की फैसिलिटी को डेवलप कर रही है। इससे कम पर यानी कि 2.9 से कम पर एनरिचमेंट से कम पर क्या किया जाता है, इसको इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इसको और अन्य पर्पसेस से भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इससे अगर 2.9% से ज़्यादा एनरिचमेंट हो जाता है न्यूक्लियर का, तो इसका मतलब न्यूक्लियर परमाणु की तरफ वो देश बढ़ रहा है। तो यहाँ पर यही ईरान द्वारा किया जा रहा था और अभी भी यही किया जा रहा है। अगली न्यूज़ है हमारी चिल्लाई कलां। चिल्लाई कलां आपने पहले भी कई बार इसको न्यूज़ इस वर्ड को न्यूज़ में सुना होगा। देखिए ये जम्मू कश्मीर के रीजन से, हालांकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये आपका आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट हो सकता है। ये न्यूज़ आपका आर्ट एंड कल्चर से भी रिलेट करके आप देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर रीजन में चिल्लाई कला एक मौसम आता है या फिर एक पारंपरिक इनका त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये दिसंबर के मंथ में चिल्लाई कला को 21 दिसंबर को यहाँ पर पूरे क्षेत्र में 0 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाता है, यानी कि माइनस में टेम्परेचर चला जाता है। इसलिए ये 40 दिवसीय ये चिल्लाई कला की अवधि होती है। इस अवधि को जो टाइम पीरियड है 40 दिन का, इस अवधि को क्या कहा जाता है, चिल्लाई कला। चिल्ला यानी कि चार, चिल्ला जुड़ा है चार से। ये मुस्लिम फैमिलीज में चिल्ले को 4 दिन का कहा जाता है या 40 दिन का कहा जाता है चिल्ला। तो ये चिल्लाई कला उसी से रिलेटेड है। 40 दिवसीय तीव्र सर्दियों की अवधि होती है। इसमें क्या है, ये चिल्लाई कला जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में कड़ाके की जो ठंड पड़ती है 40 दिन, उस ठंड की अवधि को क्या कहा जाता है। यह परंपरागत रूप से कठोर सर्दियों की मौसम अवधि के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें बर्फबारी की आवृत्ति और मात्रा दोनों में वृद्धि हो जाती है, यानी कि यहाँ पर इस टाइम पर जो होती है स्नोफॉल उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है, यानी कि बहुत ज़्यादा बार बार स्नोफॉल होती है। और दूसरी चीज़ें उसकी मात्रा यानी कि क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। आगे है इसमें कई प्रकार भी होते हैं, जैसे चिल्लाई कला के बाद, जैसे कि अब एक बार चिल्लाई कला जब शुरू हो जाता है 40 दिन का, तो उसके बाद फिर इसके दो अलग अलग छोटे छोटे टाइम पीरियड और आते हैं, जिसे कहते हैं चिल्लाई खुर्द और चिल्लाई बच्चा। देखिए खुर्द फारसी में कहते हैं छोटे को, इसको भी छोटे को कहते हैं, और चिल्लाई बच्चा ये उससे भी छोटा होता है। यानी कि चिल्लाई कला के बाद 21 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 31 जनवरी तक को ये खत्म होता है। 40 दिन की चिल्लाई कला होती है 21 दिसंबर से शुरू होकर अगले साल 31 जनवरी तक। अब इसके बाद चिल्लाई कला के बाद आता है चिल्लाई खुर्द। ये क्या होता है, ये 20 दिन की अवधि होती है। चिल्लाई खुर्द क्या होता है, खुर्द होती है 20 दिन की अवधि, जो 31 जनवरी से 19 फरवरी तक चलती है। इसके बाद आती है चिल्लाई बच्चा, यानी कि बच्चे की सर्दी। चिल्लाई खुर्द होता है छोटी सर्दी, खुर्द कहते हैं, हमने आपको बताया। खुर्द फारसी का वर्ड है, पर्शियन का, और इसको पर्शियन में कहा जाता है छोटा छोटा। यहाँ पर हमारे इंडिया में भी कई नाम ऐसे हैं गांवों के जो कि खुर्द से जुड़े हुए होते हैं। कई गांव ऐसे हैं जहाँ पर छोटे, एक मान लीजिए किसी गांव का नाम एक्स वाई है, तो उसमें दो तरह के गांव हो सकते हैं। कहीं पर एक्स वाई खुर्द और कहीं पर एक्स वाई बड़ा। इस तरह के नाम हमारे यहाँ गाँवों में होते हैं इंडिया में। तो 20 दिन की लंबी अवधि होती है 31 जनवरी से 19 फरवरी तक। फिर उसके बाद आता है चिल्लाई बच्चा, ये 10 दिन की लंबी अवधि होती है 20 फरवरी से 2 मार्च के बीच। तो आपका चिल्लाई कला कब से शुरू होता है, 21 दिसंबर से कब तक, अगले साल 31 जनवरी तक। उसके बाद आता है चिल्लाई खुर्द आपका कब तक होता है, 31 जनवरी से 19 फरवरी तक। उसके बाद आता है चिल्लाई बच्चा कब तक होता है आपका, 20 दिन, ये 10 दिन की टाइम पीरियड होता है, ये होता है 20 फरवरी से 2 मार्च तक। तो ये इस तरह इनका टाइम पीरियड चलता है लगभग 70 दिन की ये कड़ाके की ठंड होती है। अब इसको सर्दियों का केंद्र माना जाता है चिल्लाई कला को। इसमें आमतौर पर बर्फबारी होती है और यहाँ पर तापमान जो है 0 से नीचे चला जाता है। तो आपको एक आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव में ये पता होना चाहिए चिल्लाई खुर्द, चिल्लाई बच्चा और चिल्लाई कला क्या है। अगली न्यूज़ है हमारी हिमखंड A68A आइसबर्ग। तो ये क्या है, विशाल आर्कटिक हिमखंड। अभी क्या हुआ है, देखिए अंटार्कटिक रीजन में एक हिमखंड यानी कि ग्लेशियर जो है वो टूटकर अलग हुआ है। और ये हिमखंड, इसका नाम क्या रखा गया है, A68A। तो ये बहुत एक 5800 वर्ग किलोमीटर का एक हिमखंड है, ग्लेशियर है, जिसकी वजह से ये, इससे दो चीज़ें पता चलती है। एक तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में ये संकेत देता है, दूसरी क्योंकि वो ग्लेशियर जो हमारे पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग का पता चलता है। दूसरी चीज़ ये सी लेवल के बढ़ने का भी इससे खतरा रहता है। देखिए एक ग्लेशियर जब आप देख सकते हैं कि 5800 स्क्वायर किलोमीटर का जिसका एरिया होगा, अगर वो पूरी तरह पिघल जाए तो समुद्र के लेवल में यानी कि सी लेवल में कितना ज़्यादा फर्क आ जाएगा। अब इसमें दूसरी दिक्कत ये हो गई है कि ये साथ बह रहा है। ये किधर को बह रहा है, ये जॉर्जिया से ये दक्षिण जॉर्जिया जो कि अर्जेंटीना के नीचे है, आप देख सकते हैं अर्जेंटीना के जो नीचे है वहाँ पर ये बहता हुआ जा रहा है। और साथ ही साथ ये आइसबर्ग, ये अर्जेंटीना का जो फॉकलैंड एरिया है, और साउथ जॉर्जिया की तरफ को बहता हुआ जा रहा है। तो इस वजह से ये और ज़्यादा न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर इसका टेम्परेचर का भी डिफरेंस आ सकता है। साथ ही साथ ये क्या कर सकता है, तट से टकरा कर वहाँ पर और भी कई ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर इससे बढ़ा सकता है। तो इसलिए ये ग्लोबल वार्मिंग की तरफ एक सीधा इंडिकेशन है। तो ये आपको पता होना चाहिए A68E और A68F, इसी दो हिमखंड जो हमने अभी जिक्र किया है,
आइसबर्ग A68A का, इसके अलावा इसके दो और उपखंड हैं A68E और A68F, ये भी इसी से टूटकर बने गए हैं। फिर इसमें दक्षिण जॉर्जिया, दक्षिण जॉर्जिया दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, ये दक्षिण जॉर्जिया हमने आपको बताया कि ये द्वीप है। साउथ जॉर्जिया ये एक द्वीप है, आइलैंड है। इसकी आबादी, मुख्य आबादी क्या है, ग्रेट विकेन, ग्रेट विकेन आबादी कहाँ है, यहाँ पर, यहाँ की कम्युनिटी है ग्रेट विकेन, इसको ही सबसे बड़ी आबादी है। ये अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, दक्षिणी जॉर्जिया के ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र और दक्षिण सैंडविच समूह, द्वीप समूह के बीच का ये हिस्सा है। तो ये इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। अगली न्यूज़ है हमारी गैलीली सागर, सी ऑफ गैलीली। तो सी ऑफ गैलीली किस लिए न्यूज़ में है, देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एक्सेसिव वाटर रेनफॉल की वजह से सी ऑफ गैलीली में अभी जो लेवल ऑफ वाटर है वो बढ़ गया है। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर गैलीली जो है, सी ऑफ गैलीली, ये आपका गोलन हाइट्स और इसराइल के बॉर्डर पर है, यानी कि सही मायनों में कहा जाए तो ये सीरिया और लेबनान, सॉरी इसराइल के बॉर्डर पर है। लेकिन जो सीरिया का गोलन हाइट वाला हिस्सा है वो अभी कैप्चर कर रखा है किसने, इसराइल के अंडर में है। तो इसलिए ये गोलन हाइट्स अब ये विवादित क्षेत्र है, तो ये गोलन हाइट्स और इसराइल के सीमा पर स्थित गैलीली सी है। तो ये किस लिए न्यूज़ में है, यहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से यहाँ पर वाटर लेवल बढ़ गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पूरा रीजन एक ड्राई लैंड एरिया है, यहाँ पर पीने के पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, लेकिन ये पानी के पीने का एक उपलब्ध स्रोत बन गया है। अब ये झील उत्तरी इसराइल में के कब्जे वाले गोलन हाइट्स और गैलीली क्षेत्र के बीच स्थित है, ये भूमि का झरनों द्वारा पोषित है, लेकिन इसकी प्रमुख स्रोत नदी कौन सी है, जॉर्डन। यहाँ पर जो मेन वाटर सोर्स है वो कौन सा है, इस देखिए हर लेक का, हर नदी का कोई ना कोई सोर्स होता है, सॉरी हर लेक का, हर झील का, या जितने भी ग्लेशियर तालाब होते हैं उनका पानी का कोई ना कोई सोर्स होता है। तो यहाँ पर पानी का सबसे बड़ा सोर्स क्या है, जॉर्डन रिवर। तो ये जॉर्डन रिवर इसका सोर्स है, और हालांकि और भी झरनों द्वारा इसमें पानी आता है, लेकिन इसका मेन सोर्स जो है जॉर्डन रिवर है। ये झील तिबरियास या किनरेट झील के नाम से भी जानी जाती है। इस झील को क्या कहा जाता है, यानी कि सी ऑफ गैलीली को एक आला की, ये सी नहीं माना जाता है, इसको झील कहा जाता है, लेक, लेक कहा जाता है सी ऑफ गैलीली को। ये हालांकि एक लेक है, ये सागर नहीं है, इसको सागर से कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे कि ब्लैक सी, ब्लैक सी सागर नहीं है, वो एक झील है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी एक झील है, नाम उसका कैस्पियन सी है। इसी तरह ये सी ऑफ गैलीली एक लेक है, झील है, ये सागर नहीं है। तो इसको तिबरियास या किनरेट झील के नाम से भी जाना जाता है। ये इसराइल की सबसे बड़ी मीठे पानी का निकाय है। देखिए इस तरह के स्टेटमेंट देकर यूपीएससी कंफ्यूज कर सकती है कि सी ऑफ गैलीली के बारे में या गैलीली सागर के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ये गोलन हाइट्स की सीमा पर स्थित है, ये इसराइल की सबसे बड़ी मीठे पानी का निकाय है। तो आप सोचेंगे कि इसराइल में मीठे पानी का निकाय कैसे आ जाएगा, वो तो पूरा ड्राईलैंड एरिया है, रेगिस्तानी एरिया है। तो यहाँ पर ये आपको स्टेटमेंट याद रखना है कि सबसे बड़ा मीठे पानी का निकाय है इसराइल का। अब जॉर्डन झील इसमें मिलने के बाद कहाँ पर, डेड सी में समाप्त हो जाती है। देखिए यहाँ पर सी ऑफ गैलीली के नीचे, देखिए आपको पूरी लोकेशन याद रखनी होगी, तो सी ऑफ गैलीली के नीचे अगर साउथ में जाएंगे तो आप क्या मिलेगा, आपको डेड सी, डेड सी की यहाँ पर लोकेशन है। देखिए ये सी ऑफ गैलीली है, इसके साउथ में डेड सी है, वेस्ट बैंक इसके और इसके साउथ में, और उसके साउथ में डेड सी। तो ये आपको नॉर्थ टू ईस्ट, नॉर्थ टू वेस्ट भी, सॉरी नॉर्थ टू साउथ भी क्रम याद रखना होता है। तो झील इस क्षेत्र में पहले तक सूखे से पीड़ित थी, 2018 तक ये सूखे से पीड़ित थी, लेकिन अचानक अब इसमें इतना पानी हो गया एक्सेसिव वाटर बारिश की वजह से, रेन वाटर की वजह से, कि यहाँ पर पीने का पानी का उपलब्ध हो गया है। अब गैलीली सागर में पानी नहीं निकाला जाता है, लेकिन इसे इसराइल में पानी की स्थिति का अहम बैरोमीटर माना जाता है। अगली न्यूज़ है हमारी डिजिटल ओशियन, डिजिटल महासागर। ये क्या है, ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, हमारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक वेब बेस्ड क्या है, ये एप्लीकेशन है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, जिसका नाम है डिजिटल ओशियन। डिजिटल ओशियन ये वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, किसकी है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की। ये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, भारतीय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस, इसके द्वारा विकसित ये महासागर डेटा प्रबंधन के लिए अपनी तरह का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका उद्देश्य समुद्री डेटा और पूर्व अनुमान सेवाओं पर जानकारी साझा करना के लिए ये इसे विकसित किया गया है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है, ये भू स्थानिक प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति को अपनाकर विषम समुद्र संबंधी डेटा को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए विकसित अनुप्रयोगों का एक सेट इसमें शामिल है। ये मंच अनुसंधान संस्थान, परिचालन एजेंसियों, रणनीति उपयोगकर्ताओं, शैक्षिक समुदाय और समुद्री उद्योग नीति निर्माताओं को डेटा संबंधी जरूरतों के लिए एक स्टॉप समाधान के रूप में काम करेगा। ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में योगदान देगा। ये हमारे महासागरों की सतत प्रबंधन और हमारी नीली अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू इकोनॉमी, जो कि मरीन सर्विसेज से जुड़ी है, इसको बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। तो ये इससे जुड़ी हुई न्यूज़ थी।
इनकोस के बारे में देख लेते हैं, जो आपका पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत स्वायत्त संगठन है, हैदराबाद में ये लोकेटेड है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। 1999 में इसको स्थापित किया गया था। पृथ्वी विज्ञान संगठन नई दिल्ली की एक इकाई है, यानी कि ये आपका पृथ्वी विज्ञान संगठन का डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस का ये इसकी इकाई है, एक यूनिट है। इसका जनादेश क्या है, मैंडेट क्या है? समाज, उद्योग, सरकारी एजेंसियों और वैज्ञानिक समुदायों को निरंतर महासागर अवलोकन और व्यवस्थित और केंद्रित अनुसंधान के माध्यम से निरंतर सुधार के लिए प्रेरित करता है। अगली और लास्ट न्यूज़ है हमारी, मैट केंद्र लेह। मैट क्या है? मेट्रोलॉजिकल सेंटर, मेट्रोलॉजिकल सेंटर एट लेह। लेह में अभी लद्दाख रीजन में ये मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाया गया है। लेह में मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया। इसका स्थान कहाँ है? 3500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मैट केंद्र लेह का। लेह जो है भारत का सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र होगा। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन देके पूछा जा सकता है कि मैट मेट्रोलॉजिकल सेंटर का सबसे ऊंचा भारत में किस स्थान पर इकाई मौजूद है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह हाल ही में लेह में स्थापित किया गया है। इसका उद्देश्य यह नुब्रा, चांगथांग, पैंगोंग झील, जास्कर, कारगिल, द्रास, धाबेमा, आर्यन घाटी, खालसी या महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों के लिए पूर्व अनुमान प्रदान करेगा। तो ये सारे पर्यटन स्थल जो हैं, इसके बारे में आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार आप मैप में ज़रूर चेक कीजिए या नेट पर चेक नेट पर इसकी सर्फिंग कीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। जैसे कि हमने आपको बताया, हम कल से आपको जो हमारे जनवरी से 2021 से जो हमारे ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स है, उसको हम मैक्सिमम दो लेक्चर में कवर करा देंगे। चाहे हमारा लेक्चर एक घंटे का ही क्यों ना हो, डेढ़ घंटे का, लेकिन हम मैक्सिमम दो लेक्चर में ही ये बाकी का बचा हुआ 7 महीने का करंट अफेयर आपको अगले 2 दिन में कवर करा देंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।